metal complexes and this is part 5 of this series and in this lecture we will discuss about the electronic spectrum of titanium complex that is TiH2O whole 6 3 plus ion तो ये जो लेक्चर सीरीज़ है इलेक्ट्रो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस उसका पार्ट फाइव हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं और उसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो टी आई एच टू ओ होल सिक्स थ्री प्लस जो कॉम्प्लेक्स आयन है टाइटेनियम का जो कॉम्प्लेक्स आयन है उसका इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा डिस्कस करेंगे अगर हम टाइटेनियम थर्ड आयन का स्प्लिटिंग पैटर्न देखें सो दिस इज द स्प्लिटिंग पैटर्न ऑफ टाइटेनियम थर्ड कॉम्प्लेक्स आयन यहाँ पर देखिए ये जो टू डी है दिस इज द ग्राउंड स्टेट ऑफ फ्री मेटल आयन फ्री मेटल आयन कौन है टी आई थ्री प्लस तो अगर टी आई थ्री प्लस फ्री होता तो उसकी जो ग्राउंड स्टेट है देखिए टी आई थ्री प्लस टी आई का ग्राउंड स्टेट जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वेलेंस सेल वो क्या है क्या होता है बच्चों थ्री डी टू फोर एस टू तो थ्री डी टू फोर एस टू में से जब तीन इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो कितने बचे वन तो टी आई थ्री प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा डी वन कन्फिग्रेशन और अगर वो डी वन कन्फिगरेशन होगा तो उसकी ग्राउंड स्टेट टर्म क्या होगी टू डी जो हम पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं अगेन मैं आपके लिए रिकॉल कर रही हूँ कि अगर मैं टाइटेनियम को देखूँ तो टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है थ्री डी टू फोर एस टू तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है अब यहाँ पर टाइटेनियम किस फॉर्म में है Ti3+ आई थ्री प्लस और अगर टाइटेनियम थ्री प्लस होगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा थ्री वन और अगर ये थ्री टी वन कन्फिग्रेशन होगा ओके okay, तो आप देखिए कि इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ रहेगा अभी मैं सिंपल अगर डी ऑर्बिटल इसका बनाऊं तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ है प्लस टू वाले एम में ये इसकी एल वैल्यू क्या होगी टू क्योंकि ये टू वाले में है ओके okay? देन इसकी स्पिन कितनी होगी स्पिन होगी हाफ क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन है और इसकी जो स्पिन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है ओके okay? तो आपको ये पता अब आपको जब पता है कि एल इज़ इक्वल टू टू होगा तो ये स्टेट क्या होगी डी फिर से याद करिए एल एल इज़ इक्ल टू जीरो वन टू ओके तो जीरो का मतलब है एस स्टेट वन का मतलब है पी स्टेट और टू का मतलब है डी स्टेट ओके तो ये डी स्टेट है अब आप जानते हैं मल्टीप्लीसिटी क्या होती है टू एस प्लस वन और एस कितना है हाफ तो मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी टू तो ये स्टेट क्या हो गई टू डी तो ग्राउंड स्टेट टर्म क्या हो जाएगी टू डी अब ये जब कैसा था देखिए फ्री मेटल आयन था ठीक है तो जब ये फ्री मेटल आयन था तो इसकी ग्राउंड स्टेट क्या थी टू टी अब इसका कॉम्प्लेक्स बना इसका कॉम्प्लेक्स क्या बना टी आई एच टू ओ होल सिक्स थ्री प्लस ये कॉम्प्लेक्स बना यानी ऑक्टा कॉम्प्लेक्स तो जैसे ही ऑक्टा कॉम्प्लेक्स बनेगा वैसे ही क्या हो जाएगी स्प्लिटिंग होगी डी ऑर्बिटल्स की और डी ऑर्बिटल्स की जब स्प्लिटिंग होगी तो वो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा यहाँ जाएगा टी टू जी में तो ये क्या है इसकी ग्राउंड स्टेट ओके अब ये जो इलेक्ट्रॉन था टी टू जी में ये क्या होगा एक्साइट होगा और एक्साइट रूपये कहाँ चला गया ई जी में ये इसकी क्या है एक्साइटेड स्टेट ओके okay? अब आप ग्राउंड स्टेट को देखिए ग्राउंड स्टेट की कितनी पॉसिबिलिटी है देखिए कितनी पॉसिबिलिटी है ये इलेक्ट्रॉन यहाँ हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन यहाँ हो सकता है या ये इलेक्ट्रॉन यहाँ हो सकता है तो कितनी पॉसिबिलिटी है थ्री पॉसिबिलिटी ओके okay? ट्रिपली तो ये स्टेट क्या होगी जी कैसे टी, टी होगी टी टू जी कितनी होगी क्योंकि मल्टीप्लिसिटी टू है ये जनरेट कहाँ से हुई है तो इसकी ग्राउंड स्टेट टर्म क्या होगी टू टी टू जी एक्साइटेड स्टेट में देखिए आप ई जी जो है वो ए फिल्ड फील्ड है तो या तो ये यह यहाँ हो सकता है ये यहाँ हो सकता है कितनी पॉसिबिलिटी है दो कैसा डब्ल्यू जनरेट तो हम इसकी स्टेट क्या कहेंगे ई जी क्योंकि एक ऑक्टाहीड्रल कॉम्प्लेक्स है और इसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी टू क्योंकि ये कहाँ से जनरेट हुआ है टू मल्टीप्लिसिटी की टर्म से तो आप देखेंगे जो ग्राउंड स्टेट टर्म होगी यहाँ पर आप देखिए जो ग्राउंड स्टेट टर्म है वो कैसी होगी थ्री और जो एक्साइटेड स्टेट है वो क्या होगी 2eg अब आपको ये डायग्राम अगेन क्लियर हो जाएगा कि जब टू है ये फ्री मेटल आयन है और जब ये जब कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ है तो ये टी टू जी और ई जी में स्प्लिट हो जाता है डी ऑर्बिटल और देखिए एक इलेक्ट्रॉन टी टू जी में है तो ये ग्राउंड स्टेट क्या हो गई टू टी टू जी क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये इसकी कितनी पॉसिबिलिटी या तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ हो सकता है या यहाँ हो सकता है या यहाँ हो सकता है थ्री पॉसिबिलिटीज तो ट्रिपली डी जनरेट है ये जो स्टेट है एक्साइटेड स्टेट है जहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया है ई में चला गया है तो आप देखिए ये एक्साइटेड स्टेट जो है ये कैसी है टू ई क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन की दो पॉसिबिलिटी है या तो ये यहाँ होगा या ये यहाँ होगा तो इस तरीके से इसकी स्प्लिटिंग होती है और जब आपको इसकी स्प्लिटिंग पता है तो आप इसका क्या बना सकते हैं ऑर्गल डायग्राम सिंपल एनर्जी एंड डेल्टा ओ के बीच में क्योंकि ऑक्टा हिडल कॉम्प्लेक्स है तो देखिए टू डी जो है वो ग्राउंड स्टेट है और जो इसकी जो ग्राउंड स्टेट ऑक्टा कॉम्प्लेक्स की वो टू टी टू जी है और जो एक्साइटेड स्टेट है उसकी टू ई जी है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन टी टू जी वन है यहाँ पर ई जी वन है तो आप देख सकते हैं एक ग्राउंड स्टेट है और एक एक्साइटेड स्टेट है जब कॉम्प्लेक्स आयन का फॉर्मेशन हो गया तो ओके okay? तो एक ट्रांजिशन पॉसिबल है देखिए यहां से टू टी टू जी से टू ई जी में एक ट्रांजिशन पॉसिबल है और इस ट्रांजिशन की वजह से इसकी एक पीक आएगी जो कि लगभग बीस हजार चार सौ सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास क्या दिखाई देगी एक पीक दिखेगी हालांकि इसमें आपको हम्प दिखाई देता है क्योंकि यहाँ पर क्या होता है जॉन टेलर डिस्टोर्शन होता है और उस डिस्टॉर्शन की वजह से क्योंकि इसकी एक्साइटेड स्टेट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये यह जो ई है वो एसिमेट्रिकली फील्ड है तो ये जो स्टेट है वो दो भागों में स्प्लिट होती है और उसकी वजह से आप देखेंगे यहाँ पर ऐसा लगेगा कि दो ट्रांजिशन हुए होंगे बट ट्रांजिशन जो है यहाँ पर एक होता है बट जॉन टेलर डिस्टॉर्शन की वजह से दिस पीक ये क्या हो जाती है वाइड हो जाती है चौड़ी पीक हो जाती है और ये कितने पर आती है बीस हजार चार सौ सेंटीमीटर इनवर्स पर यहाँ पर हमने देखिए यही सब लिखा है जिसकी बात मैंने आपसे कही कि एक एब्जॉर्प्शन बैंड आएगा इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा में जो कि बीस हजार चार सौ सेंटीमीटर इन्वर्स के आसपास होगा एक्वस सोल्यूशन कैसा होता है ब्लू कलर क्योंकि ये जो है वो लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है इजीली इसमें एक इलेक्ट्रॉन था तो जब ये ब्लू कलर को एब्जॉर्ब करेगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो है वो शो करेगा फिर आप देखेंगे कि ये जो टी आई थ्री प्लस एस की ग्राउंड स्टेट टर्म क्या थी है टू डी थी और जब कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ तो जो टू डी स्टेट थी वो दो मोलिकिन टर्म्स में यानी मोलिकुलर टर्म्स में वो मोलिक्यूल बन जाता है इसलिए मॉलिक्यूल मोलिक्यूलर टर्म्स में वो स्प्लिट होते हैं एक टर्म होती है टू टी टू जी और एक होती है टू ई जी देखिए जो टू डी है ये एटमिक टर्म है एटम की थी या आयन की थी और जो टी टू जी और ई जी है ये मोलिक्यूल की टर्म्स हैं इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रॉन टी टू जी से ई जी में ट्रांसफर होता है जो ऑर्बिटल है और अगर हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की बात करेंगे कि ये कौन सी स्टेट से ये टू टी टू जी से टू ई जी ट्रांसफ़र होता है और यहाँ पर आपको एक हम्प दिखाई देता है क्यों ड्यू टू जॉन टेलर डिस्टॉर्शन तो ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं एक्सप्लेन करने के लिए जो टाइटेनियम का जो कॉम्प्लेक्स आयन है कि उसका स्पेक्ट्रा इस तरीके का क्यों होता है और आपसे मैंने एक पॉइंट ये भी कहा था ऑर्गल डायग्राम में कि जो ऑर्गल डायग्राम्स होते हैं वहाँ पर जनरली सेम मल्टीप्लिसिटी की टर्म्स होती हैं देखिए एक टर्म है ग्राउंड स्टेट टू टी टू जी और दूसरी टर्म है टू ईजी दोनों की मल्टीप्लिसिटी क्या है सेम है तो सेम मल्टीप्लिसिटी की टर्म होती है जनरली ऑर्गल डायग्राम्स में जो कि टाइटेनियम के ऑर्गल डायग्राम में भी है और जो ट्रांजिशन है वो देखिए सेम मल्टीप्लिसिटी से सेम मल्टीप्लिसिटी में हो रहा है तो जब आपके ये समझ में आ जाएगा देन यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट दी स्पिन सेलेक्शन वीडियो को सुन के आपको क्या पता चला इस लेक्चर से आपको पता चला कि जो टाइटेनियम का जो एक्वा कॉम्प्लेक्स आयन है वो कलर्ड होता है कलर्ड होता है वो उसको समटाइम्स पर्पल कलर भी कहते हैं ब्लू कलर का सॉल्यूशन आपने देखा पर्पल कलर भी हम इसका कह सकते हैं तो ये कलर क्यों है क्योंकि इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में ट्रांसफ़र होता है उसकी वजह से ही ये कलर शो करता है और इसकी वजह से हम क्या बता सकते हैं इसका मैग्नेटिक है, बिहेवियर भी बता सकते हैं कि ये एक इलेक्ट्रॉन की वजह से कैसा होगा पैरा नेचर का होगा So this is all about the electronic spectra of titanium complex ion in the next lecture we will discuss about the selection rules so thank you very much